नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने और केंद्र सरकार की कथित प्रतिशोध की राजनीति के खिलाफ कांग्रेस की प्रदेश इकाइयों के नेताओं ने बुधवार को मौन सत्याग्रह किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रतीकात्मक रूप से यह बताने के लिए अपने मुँह पर काली पट्टी बांध रखी थी कि देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में है और केंद्र सरकार के खिलाफ बोलने वाले किसी भी व्यक्ति को कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की इस कड़ी में श्रीनगर में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास मौन सत्याग्रह किया। इस दौरान प्रभासाक्षी से खास बातचीत में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता तारिक हामिद कारा ने कहा कि राहुल गांधी केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के सबसे मजबूत और मुखर प्रतिद्वंद्वी हैं। उन्होंने कहा, बेहद सफल भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी ने लोकसभा में एक ऐतिहासिक भाषण दिया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी समूह के बीच संबंधों का खुलासा किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके परिणाम स्वरूप बीजेपी ने उन्हें संसद से अयोग्य ठहराने के लिए अपनी गंदी चालें चली। देखिए, आप सब जानते हैं कि राहुल गांधी जी ने कुछ कंटेंशियस इश्यूज पार्लियामेंट में उठाए, कुछ सेंसिटिव इश्यूज उठाए, कुछ नेशनल सिक्योरिटी को लेके उठाए, कुछ मिसमैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस को लेके उठाए, तो जो गवर्नमेंट को नापसंद हुए और उसके इवज में उन्होंने उनको पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई किया। एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड एक हिंदुस्तान की डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में ऐसा हुआ है जो कि उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। उस डिस्क्वालिफिकेशन से कनेक्टेड एक एप्लीकेशन, उसके वो उनकर जो एक कमेंट्स थे, रिमार्क्स थे इस कंटेंशियस इश्यूज़ को लेके, वो गुजरात में सूरत शहर के सेशन कोर्ट में लगी हुई थी और वहाँ पे भी उन्होंने उनके ख़िलाफ़ फैसला दिया और इस डिस्क्वालिफिकेशन को उन्होंने अपहोल्ड भी किया। तो उस डिसीजन को बाद में गुजरात की हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ, लेकिन गुजरात की हाई कोर्ट ने, क्योंकि गुजरात में वो कोर्ट है तो एनीथिंग इज़ एक्सपेक्टेड, उन्होंने लीगल एस्पेक्ट्स को मद्देनज़र नहीं रखा, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स को मद्देनज़र नहीं रखा, उन्होंने प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स को मद्देनज़र नहीं रखा। इन सब की धज्जियां उड़ाते हुए उन्होंने उस अपील को खारिज किया या अपहोल्ड किया सूरत की सेशन कोर्ट को। तो उस दिन से ही आप देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ख़ास तौर से जो कांग्रेस पार्टी के जितने भी, जहां पे भी कांग्रेस पार्टी के ऑफिसेज हैं पूरे मुल्क में, वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो उसी की कड़ी आज यहां पूरे मुल्क में जिस तरीके से साइलेंट प्रोटेस्ट हो रहा है, एक खामोश एहतजाज हो रहा है, गांधीयन फिलॉसफी को मद्देनज़र रखते हुए, गांधीयन फिलॉसफी को आगे चलाते हुए, गांधीयन फिलॉसफी में को मैं बिलीव करते हुए हम एक साइलेंट प्रोटेस्ट रजिस्टर कर रहे हैं। नेशनल लेवल पे भी इसका हमें पूरा यकीन है कि इसका असर होगा, जो हमारे अनस्पोकन वर्ड्स हैं वो लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचेंगे, वो अपना रंग ज़रूर लाएंगे और इंटरनेशनल लेवल तक भी ये अनस्पोकन वर्ड्स जो हैं वो ज़रूर पहुंचेंगे और इसका रंग ज़रूर आएगा। एक्चुअली हम इस चीज़ के लिए सत्याग्रह कर रहे हैं कि जो राहुल जी की सदिता थी पार्लियामेंट की वो ख़त्म की गई है, और दूसरा अब जो मुल्क भर में बेरोज़गारी है उस सिलसिले में राहुल जी सड़कों पे आए लोगों के लिए, जो महंगाई है, जो देश को लूटा जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है, उस सिलसिले में राहुल जी सड़कों पे आए थे। और जो आज की गवर्नमेंट है, मोदी जी की गवर्नमेंट है, आरएसएस की गवर्नमेंट है, जो लोगों को तोड़ने का काम कर रही है, ये इनसे राहुल जी से डरते हैं, इस वजह से ये ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं। देखिए, आज 12 जुलाई को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने तमाम अपने मुख्यालयों पे एक सत्याग्रह, मौन सत्याग्रह रखा गया है। ये राहुल जी की सॉलिडरी में हम लोग खड़े हुए हैं, राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। जिस तरीके से मोदी सरकार ने लोकतंत्र में गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया और लोकतंत्र की आवाज़ को दबाना चाह, राहुल गांधी जी की आवाज़ को दबाना चाह, और वो आवाज़ राहुल गांधी जी की नहीं थी,
वो हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों की आवाज़ थी जिस पर मोदी सरकार ने आघात किया है। राहुल जी ने सवाल किया मोदी सरकार से, अडानी के खिलाफ करा, राहुल जी ने जो दलितों के साथ अत्याचार है उस पर करा, राहुल जी ने गरीबों के साथ जो व्यवहार हो रहा है उस पर सवाल किया, राहुल जी ने जो सीमा पर चीन अतिक्रमण कर रहा है उस पर व्यवहार किया, राहुल जी ने सवाल किया मणिपुर दो महीने से जल रहा है उस पर सवाल किया, और सवाल तो राहुल जी करते रहेंगे, जितना डराना चाहिए डरा लें। और इस सवाल के डरी हुई मोदी सरकार 24 घंटे में डिसीजन कर देती है, 48 घंटे में सदस्यता ले लेती है, 72 घंटे में उनको घर खाली करने का नोटिस कर सकती है, और जितना चाहे वो अत्याचार हम लोगों पे कर ले। कांग्रेस पार्टी ने देश की आजादी के लिए खून दिया, देश को बचाने के लिए खून दिया, और आज हिंदुस्तान बड़े नाजुक मोड़ पे खड़ा है। मैं तो कहूंगा लोकतंत्र अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, जिसके विरोध के विरोध स्वरूप हम लोग आज यहां बैठे हिंदुस्तान को बचाने के लिए। हम आपको यह बता दें कि कांग्रेस ने कुछ दिन पहले कहा था कि मोदी उपनाम वाली टिप्पणी से जुड़े 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में अपनी दोष सिद्धि पर रोक लगाने के अनुरोध वाली राहुल गांधी की याचिका गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने और सजा पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद पार्टी अब उच्चतम न्यायालय का रुख करेगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।